तो गाइस हुंडई की एक्सट्रा जो कि एक माइक्रो एसयूवी है वो लॉन्च हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसकी बुकिंग भी करा दी होगी। और इसके जो मेन सबसे बड़े राइवल हैं वो है टाटा पंच और सेट्रॉन के C3। लेकिन इसमें ना कुछ कमियां भी हैं, तो आज की वीडियो में एक्स्ट्रा के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करेंगे, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि अगर आप बुक करा रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डिसीजन में बिल्कुल ये हेल्प करने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। पहले एक्स्ट्रा के प्रोज से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, और एंड में आपको मैं इसकी कमियों के बारे में बताऊँगा। तो पहली अच्छी चीज़ है एक्स्ट्रा में कि भाई इनका जो इंजन है ना वो 4 सिलेंडर इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन का फायदा यह है कि इसमें NVH लेवल कम होगा, स्मूथ होगा चलाने में, और ये वही इंजन है जो कि आपको i10 Nios और Aura में देखने को मिलता है। अब इसके पास ये एडवांटेज कैसे हो गया? एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसके जो बड़े राइवल हैं जैसे टाटा पंच हो गया, सेट्रॉन की C3 हो गई, इन दोनों ही कार में आपको ना 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा के कंपैरिजन में NVH थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप तीनों की टेस्ट राइड लेना, खुद फील करोगे कि आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा स्मूथ लग रही है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो गया एक्स्ट्रा की तरफ। सेकंड एडवांटेज है एक्स्ट्रा का, या सेकंड प्रोज है कि भाई एक्स्ट्रा में ना बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं, जो कि अभी तक आपको एटलीस्ट इस सेगमेंट में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला फीचर कि इसमें आपको डैश कैम देखने को मिलता है, डैश कैम वो भी कंपनी फिटेड, जो कि फ्रंट और रियर की रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो अगर कुछ भी होता है तो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन आप व्लॉगिंग भी चाहो तो थोड़ी बोली कर सकते हो। इसी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। पैडल शिफ्टर मिल रहा है भाई, मतलब कौन सी कार है इतनी छोटी 6-7 लाख रुपए जो स्टार्ट होती है उसमें आपको पैडल शिफ्टर मिले। हालांकि टॉप एंड मॉडल्स में ही मिलेगा ऑटोमेटिक में, बट हाँ है तो मतलब दिया तो गया है एटलीस्ट, जो कि इसके राइवल तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इसी के साथ रियर एसी वेंट भी दिया गया है, मतलब छोटी सी गाड़ी है फिर भी इसमें रियर एसी वेंट दे दिया गया है, ये भी एक बड़े काम का फीचर है। साथ वायरलेस चार्जिंग दी गई है। तो कुल मिला के भाई प्रीमियम फीचर्स अच्छे खासे इसमें दिए गए हैं। और हाँ, 8 इंच का टच स्क्रीन है, उसमें एलेक्सा का भी सपोर्ट है, इसमें होम टू कार वाले फीचर हैं जो वेन्यू में आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई अच्छे खासे फीचर्स इसमें लोड कर दिए गए, तो ये भी एक इसका प्रोज है। थर्ड प्रोज भी आप चाहो तो फीचर ही रखो, लेकिन मैंने इसको अलग से रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल इसको प्रेफरेंस दे के ही गाड़ी पिक करते हैं, वो है सनरूफ। के राइवल में किसी में भी आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से जिनका होता है ना कि भाई सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन बजट भाई बहुत ही कम रहता है, तो वो अभी एक्स्ट्रा देख सकते हैं। इसके पहले तक वो क्या खरीदते थे, नेक्सॉन वेन्यू, मतलब ये जो सबफॉर्मेटर कॉम्पैक्ट SUV था वो खरीदते थे सनरूफ के लिए, या कुछ लोग i20 प्रेफर करते थे, बट i20 इतनी सस्ती है नहीं ना, उसकी प्राइसिंग वही रेंज पे चली आती है। अभी उनके लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन आ गया है सनरूफ में, वो है एक्स्ट्रा, तो ये भी एक एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज, CNG मिल रहा है जो कि इसके राइवल में नहीं मिलता है। हालांकि पंच का CNG टेस्टिंग करते हुए बहुत बार स्पाई हुआ है, मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बट एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं है। एक्स्ट्रा में CNG का भी ऑप्शन है, जो कि CNG में 68.5 PS की मैक्स पावर और 95.2 न्यूटनमीटर का मैक्स स्टॉक निकाल के देता है, जो कि माइलेज निकाल के देता है 27.1 किलोमीटर पर KG का। तो अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए है ना, एक सिटी ड्राइव के लिए एक कार चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा का CNG ऑप्शन पिक कर सकते हो। एक और एडवांटेज यहाँ पे है एक्स्ट्रा की तरफ कि भाई एक्स्ट्रा में ना बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। अब 6 एयरबैग मतलब जिसे आप इसके राइवल में पंच को देख लो, 2 एयरबैग हैं, सिट्रॉन C3 में देखो उसमें भी 2 एयरबैग दिए गए हैं बेस मॉडल्स में, तो डेफिनेटली ये भी एक एज हो जाता है एक्स्ट्रा की तरफ। अब इसकी सेफ्टी कितनी क्या है, क्रैश टेस्ट में कितना क्या स्कोर करेगी, उस पर नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि अभी वो हुआ ही नहीं है, बट हाँ यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा एयरबैग चाहिए ना तो एक्स्ट्रा आप पिक कर सकते हो, और 6 एयरबैग हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली इसकी केबिन के अंदर की सेफ्टी इंप्रूव होगी ही। तो भाई ये तो हो गए इसके 5 एडवांटेज, मतलब 5 ऐसी चीज़ें जो कि इसके राइवल्स नहीं देती बट आपको एक्स्ट्रा ऑफर करती है। अब कमियों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कमी क्या है, या कह सकते हो कॉन्स क्या है। तो पहला कॉन्स है कि एक्स्ट्रा के जो फ्रंट वाले हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत सारी चीज़ें दे दी गई, सारे फीचर्स हैं जो कि राइवल्स नहीं देते, कमाल कमाल के फीचर्स दे दिए गए, बट फ्रंट का जो हेडरेस्ट है उसको भी एडजस्टेबल दे देना चाहिए था, जो कि नहीं है भाई। तो ये देखो, अगर आप सिटी में चलाने के लिए ले रहे हो तो आपको शायद ये इफेक्ट नहीं करेगा है ना, लेकिन अगर आप हाईवे में लेके जा रहे हो जो आप कंटिन्यूसली 7-8 घंटे ड्राइव करते हो बीच में एक छोटे मोटे स्टॉप के साथ, तो वहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि सभी की हाइट अलग अलग होती है। अब मैं ऐसा इसलिए फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव करता रहता हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉन्स में रखा है। बाकी अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ये जो कॉन्स है ना फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाला, आपको मैटर भी नहीं करेगा, बट हाँ आपको जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड एक और कॉन्स है
कि भाई देखो इसमें सारे फीचर्स मिल गए, लेकिन इसके जो टचस्क्रीन है ना उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कार प्ले नहीं मिलता, जो कि यार दे देना चाहिए था आज के टाइम पे। आजकल सभी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले मिल रहा है, मतलब जो फीचर्स पे ध्यान रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चाहो तो आप कमी पर रख सकते हो। थर्ड कौन से इसका प्लेटफॉर्म, अब देखो इसका प्लेटफॉर्म जो है ना वो वही है जिसमें i10 नियोस बिल्ड है, ऑरा बिल्ड है, तो इसके प्लेटफॉर्म में सेफ्टी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। फीचर्स तो चलो अच्छे खासे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं सेफ्टी को लेकर के, फीचर्स में इनफैक्ट सबसे आगे ही है, बट प्लेटफॉर्म की जो सेफ्टी है, क्रैश टेस्ट का रिजल्ट है वो सामने है, मतलब इसके प्लेटफॉर्म का, जो कि है 2 स्टार और ये उसी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, तो कहीं ना कहीं इसकी सेफ्टी में ओवरऑल क्वेश्चन मार्क तो जरूर उठता है। बाकी यार एयर बैग ऐड हुए हैं, एक दो फीचर्स और ऐड हुए हैं, 2 स्टार से ज़्यादा ही स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर जब तक नहीं होता तब तक मैं यही मानूंगा कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो उतना सेफ नहीं है। तो ये छोटी छोटी एक्सरे में 3 कमियां देखने को मिलती है, बाकी लॉन्ग टर्म में जब कार चलेगी तो फिर और कमियां आएंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये सेगमेंट में सबसे पहली बार ऑफर कर रही है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग ना एक्स्ट्रा को कंसिडर कर रहे हैं 5 के कंपेरिजन में। बट ये छोटी छोटी जो मैंने 3 कमियां बताई ना वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो।